friends, how are you? I hope all are fine. Dear students, welcome back to LKG Hindi class. बच्चों, हम लोगों ने सीखा व्यंजन वर्ण. इस व्यंजन वर्ण में हम लोगों ने जो वर्णों को सीखा क से लेकर ह तक. आइए इसको हम लोग फिर से दोहराते हैं और देखते हैं. ग ख ग घ अंगा च छ ज झ इया ट ठ ड ध अना त ख द ध न प क्वा ब भ म य र ल व तालव्यश मूर्धन्सा दंसा हा. बच्चों, हम लोगों ने यहाँ तक इससे पहले क्लास में पढ़ा. अब आज हम लोग देखेंगे अक्षा. ये है अक्षा. ये अक्षा दो वर्णों के मिलने से बनता है. ठीक है, अक्षा त्र ज्ञा श्र, ये चारों वर्ण दो वर्णों के मिलने से बनता है. बच्चों, अपनी बुक में आप लोग देखिएगा पेज नंबर 74. पेज नंबर 74 यहाँ पे दिया गया है. ये जो दो वर्ण मिलके अक्षर बने हैं, क हलन श मूर्धन्य, ये दोनों मिलके बने अक्षर. अक्षर से क्षत्रिय. क्षत्रिय जो सैनिक होते हैं, जो देश में लड़ने के लिए जाते हैं दूसरे देश से, उसको बोलते हैं क्षत्रिय. त्रा, त्राशे ता, ता हलंत और रा, ये दोनों मिलकर बने त्रा. त्रा से त्रिशूल. त्रिशूल एक हथियार है जिससे मारने के काम में लाया जाता है. ग्या, ज हलंत और इया, ये दोनों मिलकर बने ग्या. ग्या से ज्ञानी. ज्ञानी जो सबों को ज्ञान बांटते हैं उसको बोलते हैं ज्ञानी. और श्रा, तालव्य श हलंत जोड़ रा, ये दोनों मिलकर बने स्रा. स्रा से श्रमिक. श्रमिक जो मेहनत करते हैं, काम करते हैं, उसको बोलते हैं श्रमिक. और एक बार देखेंगे अक्षा. अक्षा से क्षत्रिय. त्रा से त्रिशूल. ज्ञा से ज्ञानी. और स्रा से श्रमिक. बच्चों, यहाँ पे ये वर्ण जो दिया गया है इसमें आप लोग लिखकर प्रैक्टिस कीजिएगा, अभ्यास कीजिएगा और इसको अच्छे से लिखिएगा. एक एक लाइन में ध्यान से देखिएगा और इसको पूरा अक्षर त्रा ज्ञा और स्रा इन सभी को लिखकर रखिएगा. बच्चों, और का से लेकर स्रा तक ये पूरे वर्णों को क्या बोलते हैं, व्यंजन वर्ण. इन व्यंजन वर्णों को अच्छे से याद कीजिएगा, बार बार इसको पढ़िएगा और दोहराइएगा तो ये याद हो जाएगा. बार बार इसको दोहराना है. थैंक यू बच्चों, बाय बाय.